5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। देशवासियों, मैंने अभी अभी राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है और इस महान देश की सेवा में अपने को समर्पण कर देने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है। मैं आपके सामने भारत के गणराज्य के प्रतीक और चिन्ह स्वरूप राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हूँ। हमें अपने प्राचीन इतिहास में देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न युगों में गणराज्यों की स्थापना के उल्लेख मिलते हैं, किंतु उनका प्रभुत्व देश के छोटे छोटे भागों तक ही सीमित था और हमें उनकी राज्य पद्धति का भी पूरा ज्ञान नहीं है। यह पहला ही अवसर है जब यह सारा देश एक छत्र गणराज्य के आधिपत्य और शासन के नीचे आया है। हमारे संविधान ने इस गणराज्य के व्यापक नींव का आधार इस देश के सब वयस्क स्त्री पुरुषों को बनाया है। भारत के प्रशासन और उसके भाग्य का निर्माण करने के लिए करोड़ से अधिक भारतीयों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। इन प्रतिनिधियों ने मुझे राष्ट्रपति चुना है और यह कार्य करके उन्होंने उस संविधान को कार्यान्वित किया है जिसे हमने इतने परिश्रम से बनाया था। व्यक्तिगत रूप में आपके एक देशवासी के नाते तथा इससे भी कहीं अधिक भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में आप में से अनेक के एक साथी के नाते मैं आपके विश्वास के इस अपूर्व प्रदर्शन के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ, किंतु कृतज्ञता से भी कहीं अधिक मैं इस उच्च पद के गुरुत्वर उत्तरदायित्व और भार का अनुभव कर रहा हूँ। इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ही हो सकती थी, अतः इस स्वतंत्रता को जिसे हमने कई पीढ़ियों के संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है, सुरक्षित रखना हम में से प्रत्येक का प्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य है। हमारा अटल उद्देश्य यह है कि हम जनता की स्थिति सुधारें और उसकी उन्नति करें, किंतु देश के सुधार और उन्नत की हमारी सब योजनाएं हमारी स्वतंत्रता स्थिर बने रहने पर ही निर्भर करती हैं। उसी आधारभूत स्वतंत्रता पर ही तो हमारा वैयक्तिक और राष्ट्रीय जीवन निर्भर है, अतः आपके समान ही मेरा भी यह कर्तव्य है कि चाहे जो भी त्याग करना पड़े हम इस स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखें और इसकी रक्षा करें। इस कर्तव्य को पूरा करने में मेरा प्रथम और सर्वोपरि प्रयास यह होगा कि देश के विभिन्न भागों, विभिन्न धर्मों और विचारों के लोगों के प्रति मैं समता और निष्पक्षता बरतूं। दूसरा कर्तव्य जिसमें कि मैं आपका सहभागी हूँ यह है कि मैं अन्य सब देशों की मैत्री प्राप्त करने का प्रयास करूं और उनसे सहयोग करने के रास्ते निकालूं। इस देश के सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वे मुझे अपने में से ही एक माने और मुझे ऐसा अवसर और प्रोत्साहन दें जिससे मैं यथाशक्ति उनकी सेवा कर सकूं। भगवान से मेरी विनती है कि वह मुझे शक्ति और बुद्धि दे ताकि मैं सच्ची सेवा भावना से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकूं। आदरणीय सदस्यों,
भारत गणराज्य की सर्वप्रथम संसद के जो हमारे संविधान के अनुसार चुनी गई हैं सदस्यों के रूप में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। विधानसभाओं की रचना और राज्य के अधिपति संबंधी संविधान के उपबंधों को हमने पूरी तरह से कार्यान्वित किया है और इस प्रकार हमने अपनी यात्रा की एक मंजिल पूरी कर ली है। जैसे ही यह मंजिल समाप्त होती है दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है। कोई भी जाति या राष्ट्र अपनी भावी निर्माण यात्रा में आराम से नहीं बैठ सकता। 17 करोड़ से अधिक भारतीयों द्वारा नवनिर्वाचित संसद के सदस्यों के रूप में आप ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। आपका यह बड़ा सौभाग्य है और आप पर भारी उत्तरदायित्व है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मुझे अपने प्राचीन देश और उसमें बसने वाले करोड़ों नर नारियों का ध्यान हो उठता है। भाग्य हमारे सामने है और यह हमारा काम है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें। वह आह्वान महान भारत देश की सेवा के लिए है जिसने इतिहास के ऊषा काल से ही जबकि सहस्रों वर्ष पूर्व उसकी कहानी आरंभ हुई थी सुदिन और दुर्दिन दोनों ही देखे हैं। इस दीर्घ काल में इस देश को महान गौरव भी मिला और हमारा भाग्य विपत्ति में भी रहा। अब जबकि हम भारत की लंबी कहानी का नया अध्याय आरंभ करने वाले हैं हमें पुनः यह निर्णय करना है कि हम उसकी सर्वोत्तम सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने व्रत में सत्यनिष्ठ सिद्ध हों और इसे पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। सुदीर्घ काल की पराधीनता के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। सब कुछ सहकर भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, बचाना है और बढ़ाना है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के आधार पर ही तो प्रगति की जा सकती है। किंतु केवल स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, उसे अपने साथ जनता को भी कुछ सुख लाभ कराना चाहिए और वे जिन बोझों से दबे हुए हैं उनको कम करना चाहिए। इसलिए यह बात हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है कि हम तेजी के साथ जनता की आर्थिक उन्नति करने के लिए जुट जाएं और समता तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के जो उच्च आदर्श हमारे संविधान में अंकित हैं उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करने लगें। अपने सारे इतिहास में भारत ने मानव आत्मा की कुछ अन्य प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व किया है। संभवतः भारतवर्ष का विशिष्ट लक्षण यही रहा है और अभी हाल में ही उस प्राचीन भावना के उत्तम प्रतीक को हमने महात्मा गांधी के रूप में देखा है जिन्होंने अपने नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम था, पर मानव आत्मा की महत्तर स्वतंत्रता की दृष्टि से वह केवल एक प्रयास मात्र था।